खबर शाजापुर से। कई प्रकार की असुविधाओं का सामना भी विद्यार्थियों को करना पड़ रहा। शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील के खोखरा कला में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला, जहां शासन होनहारों के लिए कई सुविधाएं मुहैया करा रही है, वहीं कई प्रकार की असुविधाएं का सामना भी विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। नवीन प्राथमिक विद्यालय खोखरा कला की स्थिति अत्यंत दयनीय लग रही है। स्कूल तक पहुंचने में विद्यार्थियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है। स्कूल तक पहुँचने के लिए छात्र छात्राओं को कीचड़ से भरे मार्ग से निकलना पड़ रहा है। कीचड़ भी कोई मामूली कीचड़ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे दलदल है। कई बार तो छात्र छात्राएं इस कीचड़ में गिर जाते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाई करने के लिए इन समस्याओं का सामना करना उनकी नियति बन चुकी है। सहायक शिक्षक राम कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग सन 2006 से ही यहाँ के यही हालात हैं। छात्र छात्राओं के आने का यही मुख्य मार्ग है और यहाँ लगभग 200 मीटर के आसपास है। इसी मार्ग पर छात्र छात्राएं गिरते पड़ते स्कूल तक आते हैं और पढ़ाई करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभिभावक भी हमसे नाराज होते हैं, लेकिन हम भी क्या करें। हमने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर इससे अवगत कराया, लेकिन अभी तक यहाँ के हालात जस की तस बने हुए हैं। एक आस एक उम्मीद है कि कभी तो यहाँ का कायाकल्प होगा और विद्यार्थियों का समस्या से निजात मिलेगी। क्या नाम बेटा? अरमान। क्या समस्या रही बेटा अपने? हम यहाँ से आते हैं तो नाला, जब बारिश होती है तो हमारा नाला भरा रहता है, जिससे हम आते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं, ड्रेस ड्रेस, इसलिए रोड बनवाने की समस्या है। चलो ठीक। क्या नाम बेटा? अरमान। कौन सी क्लास पढ़ती है? पांचवी। कहाँ पर पढ़ती है बेटा? शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय छात्र। क्या समस्या रही बेटा यहाँ पर अपने? हम कीचड़ में नाले में से आते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी भरा रहता है और हमें बहुत दिक्कत आती है पानी भरते हुए। सर, मैं राम कुमार श्रीवास्तव सहायक शिक्षक नवीन प्राथमिक विद्यालय छापरी रोड फकरा कला में पदस्थ हूँ। यहाँ पर ये स्कूल का निर्माण कार्य 2006 से बन चुका है, लेकिन तभी से अभी तक ना तो इसका सीमांकन हुआ है और ना कोई आने का रास्ता बना हुआ। नाले में सफर के बच्चे आते हैं, नाले में हमेशा बारिश का पानी भर रहता है और पानी बहता है, जिसमें जंगल का पानी बहता है। बच्चे का मेन मार्ग आने जाने का सड़क से यही है, जिसमें करीबन 200 मीटर तक पानी में से रास्ता रहता है। बच्चे कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कीचड़ में गिरते पड़ते बच्चे आते हैं, उनके पालकगण हमसे नाराज होते हैं, सर रास्ता बनवाओ रास्ता बनवाओ। इस बारे में मैंने कई बार आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, परियोजना समन्वयक, तहसीलदार और यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय और अभी 30 अप्रैल 2023 को माननीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के हाथ में भी मतलब मैंने आवेदन दे दिया था कि सर हमारे यहाँ का रास्ता घर बनवा दो, बच्चे बड़ी परेशानी में है, कभी भी घटना घट सकती है। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि हाँ आपका एटीएम के द्वारा करवा देंगे, लेकिन आज 3 महीने बीत गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और परेशानी ये है कि पालकगण हमसे कहते हैं बार बार आकर के साहब कैसे कैसे स्कूल चल रही है आपका, ये रास्ता ही नहीं आने का तो बच्चे कैसे आएंगे जी। इस कारण से यहाँ की जो उपस्थिति है वो भी कम रहती है, बच्चे को भर्ती कराने में लोग बार डरते हैं कैसे भर्ती कराएंगे यहाँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की यही है। आप क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं कि अगर इसका निर्माण कार्य रास्ते का अगर बन जाए, क्रांत के लोग कहीं से भी बना दे शासन द्वारा जी, तो हमारे बच्चे की उपस्थिति बढ़ेगी और बच्चे भी मतलब मस्त होकर स्कूल आएंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी उनकी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी और ना किसी प्रकार का डर रहे। ठीक है, यही हम चाहते हैं अगर ऐसा रास्ता बन जाए तो सारी परेशानी हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए शाजापुर से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।